नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बख्तियारपुर से करेंगे। बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्यासपुर गंगा घाट पर बना पीपा पुल के चालू हो जाने से दियारा वासियों की खुशी लौट आई है, क्योंकि अब इन्हें गंगा पार करने के लिए 7 से 8 महीने तक जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बता दें कि इस पुल के जुड़ जाने से 50,000 की आबादी वाले दियारा वासी लाभान्वित होते हैं। पुल चालू होने के बाद दियारा वासियों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। घायल 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के डरहा गांव के समीप की है। ट्रक मार के भाग गया, मोटरसाइकिल से जा रहा था। 3 आदमी मलकुआ के थे जी, 3 आदमी जा रहे तो ट्रक वाला गलती था, ट्रक वाला धक्का मार। बेगूसराय शहर के काली स्थान मंदिर के निकट शादी समारोह में आए लोगों ने 2 युवकों को पर्स चोरी का आरोप लगाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दोनों युवकों को लोगों ने नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक चंदन कुमार का कहना है कि वह लड़की से प्रेम करता था, इसलिए वह शादी की बात सुन मंदिर पहुंचा था, जहां लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आ रहा था ठीक है बेलोरो से, ये 3-4 गो लड़का मिल के लड़की को रोक दिया और बोला नहीं देगा तो मार देंगे, पर्स में जेवर उबर था सब कुछ छीन ली। फिर रिटर्न आया हम पूछे कि कहाँ घर हुआ, बोलता है पनोस, ठीक है इतना बोल दिया। फिर चलने लगा, जब चलने लगा था हमको देखा पीछे कर रहा, बस ये लड़का बुलाने लगा, दौड़ने लगा, तब इसके पीछे दौड़े हम पकड़ी। भाई तुम दौड़ता का है, जब गलत नहीं है तो मत दौड़ो। तुमको थाना में बताऊंगा क्यों पकड़ा, बोलो बताऊंगा थाना। बिहटा में पिछले दिनों पूर्व मुखिया पति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या मामले को लेकर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बढ़ते अपराध और मुखिया हत्या मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिशोध मार्च निकाला। यह प्रतिशोध मार्च मुखिया संघ के द्वारा बिहटा के डुमनिया पुल से बिहटा चौक तक गया, वही अंत में यह मार्च सभा में तब्दील हो गई। सभा के उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज की सरकार जनप्रतिनिधियों की हत्या वाली सरकार है। अपनी जान पर आई है तो लोग आज आपसे लाइसेंसी हथियार मांग रहे हैं, लाइसेंस मांग रहे हैं। अगर इसी तरह का टाल मटोल का रवैया होते रहेगा, आप लाइसेंस नहीं दोगे तो अपनी जान की सुरक्षा में, अगर कल यहाँ के लोग या बिहार के लोग अपनी जान की सुरक्षा में बिना लाइसेंस का राइफल रखने लगेंगे तो उसके लिए जिम्मेवार आप होइएगा, लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। व्यवस्था और परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम राज्य की सरकार अविलंब करे, या मांग आप लोगों की है, इस मांग का भी हम लोग समर्थन करते हैं, हर तरह से समर्थन करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ इस लड़ाई को जब तक इलाके के लोगों में सुरक्षा का वातावरण नहीं होगा तब तक आपकी जागृति बनी रहनी चाहिए। न हो इस बात की जवाबदेही अपने ऊपर प्रशासन ले। सर जिस तरह से बिहार में अपराध लगातार पूरे बिहार में यही स्थिति है, पूरा बिहार आज अपराधियों के चंगुल में,
जहाँ जिसके जी में जो आए, जब जिसकी हत्या करना चाहे हत्या हो जाए। तो इस तरह की स्थिति पूरे बिहार में है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अब साल भर, अब उनका बचा है साल भर के बाद तो जाना ही है, लेकिन जब तक है तब तक लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करें, वरना किसी दिन लोग अपनी सुरक्षा में खुद भी अगर कुछ गलत काम करने लगेंगे तो इसकी जवाबदेही भी राज्य की सरकार की हो। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के शादीपुर दियारा की है, जहां शादीपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान बारात देख रहे ग्रामीण सोनू कुमार को एक गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल सोनू को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घटना की सूचना पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शादीपुर दियारा से कार्ड था, तो कार्ड मतलब नौतापुर में गए, उस दरमियान खा के लौट रहे थे, तो बारात तब तक आ गई थी, तो बारात देखने लगे थे, उसी दौरान फायरिंग में बहुत अच्छी फायरिंग, किस तरफ से हुई फायरिंग कौन बारात पहचान में वही खड़े थे, हम साइड में देख रहे थे, गाड़ी सब चलते ही वहाँ से गाड़ी साइड, एक आदमी बोले निकालो गाड़ी, तो भीड़ के कारण बारात निकल रही थी, तो बाइक पीछे था तो उसी चक्कर में खड़े थे, लगा था हमको, लगा पहले पत्थर लगा, फिर देखे जब खून निकल गया तब हमको महसूस हुआ गोली लग गया, मतलब मैंने है गोतिया में लगते हैं मनोज सिंह, उन्हीं की बेटी की शादी थी, तो नौतापुर में कार्ड था तो नौतापुर में गए थे। बात करें अरवल की तो कुर्था स्थानीय प्रखंड क्षेत्र में सहकारिता समिति पैक्स चुनाव को लेकर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रखंड क्षेत्र के रामचरित्र सिंह महाविद्यालय में चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मियों को दो पाली में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया गया। पैक्स चुनाव के लेकर आज बैठक हुई, इस पर कुछ आज जो है यह पैक्स चुनाव 2019 का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर हुआ, जिसमें प्रत्येक गश्ती दल पदाधिकारी, विकासखंड पदाधिकारी, पोलिंग वन, पोलिंग टू और पोलिंग थ्री का प्रशिक्षण दिया गया। इस बार जो है पैक्स चुनाव जो है बक्सा से होगा और बैलेट पेपर से होगा। इसमें जो है अधि पैक्स के अध्यक्ष, पिन सचिव, वित्तीय मंत्री, कोषाध्यक्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान कोटि का इसमें सदस्य का निर्वाचन होगा। इसमें जो है अब जो है कि आज के प्रशिक्षण में पीठासीन प्राधिकारी के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताया गया, फिर प्रथम मतदान प्राधिकारी के पास आपको मतदाता सूची रहेगा और उनको पुरुष में अंडरलाइन करना है और महिला में अंडरलाइन एंड टिक भी करना है। द्वितीय अधिकारी मतदान प्राधिकारी के पास उसमें जो है उनको पास एक बैलेट पेपर रहेगा और वो जो है उसमें मिलान करेंगे। तृतीय मतदान प्राधिकारी के पास जो है उसमें उनको नाखून पर चिन्ह लगाएंगे और मत पत्र को मोड़ने के बारे में बताएंगे। नालंदा में होटल में बैठे एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर नौसा थाना इलाके के तीना गांव के समीप की है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने होटल को आग के हवाले करते हुए सड़क जाम कर कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही हिलसा DSP समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हो सका। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सरकार को उखाड़ फेंकने का बिगुल फूंकते हुए उन पर जमकर बरसे और कहा कि जब नालंदा में सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि राज्य के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। दरअसल पप्पू यादव बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ स्थित टाउन हॉल में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत करने आए थे, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। आप जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक जन आंदोलन सर छेड़ चुके हैं, छेड़ नहीं दे रही है, जनता ने छेड़ दी है, पटना की धरती ने छेड़ दिया है, पटना की धरती इन 30 सालों की जो सिस्टम है, जो नेता हैं उनसे मुक्ति चाहता है, वो एक इतिहास बदलना चाहता है। हम चाहते हैं नालंदा बिहार शरीफ से नीतीश कुमार को से आज़ादी। जब यहाँ की बच्ची 11 लोग बलात्कार करेंगे और एक भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, हर दिन हत्या, 40 हत्या, नालंदा की जिंदगी नरक है, ये शहर नरक है, तो फिर किस बात की आजाद, 15 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं।
समिति आज जन अधिकार पार्टी का बिहार शरीफ नालंदा में मिलन समारोह है, जिससे पूरे प्रदेश में एक संदेश देना होगा नीतीश के गढ़ से, नीतीश को कबाड़ने का, नीतीश को। मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड परिसर में जदयू के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव ने की। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पंचायत अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं विधानसभा के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर एक मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष को सौंपने का निर्णय लिया गया। वहीं पंचायत के मतदान केंद्रों पर एक अध्यक्ष एवं सचिव बनाने को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश नेत्री सीमा मंडल ने कहा कि पंचायत स्तर पर जदयू के संगठन को हर बूथ पर 5 सदस्यों वाली कमेटी का निर्माण किया जाएगा, वो भी हम लोग इस बैठक में रखे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जो मुखिया है नीतीश कुमार, जो उनका जो स्वच्छ छवि है, उनको जन जन तक, हर घर के लोगों तक यह मैसेज पहुंचाना है। जो हमारा जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, वो बेदाग छवि है, उनके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे और तो आगे हमारा भी विकास होगा और पार्टी का भी विकास होगा। ये हमारा सबसे एक नंबर में मुद्दा है। दूसरा ये है कि बूथ लेवल, जो हर पंचायत में बूथ, दो आदमी को बूथ कमेटी बनाना है, एक अध्यक्ष बनाना है, एक सचिव बनाना है, उस पर भी चर्चा हो रही है। उस पर ये काम भी हम लोगों को करना है। BLAO के माध्यम से ये सारा काम करना है। और हमारे जो पुराने साथी है, सबसे ज्यादा इस संगठन को मजबूत, क्योंकि बिस्फी उपेक्षित रहा है। बिस्फी में आज तक कोई इस पार्टी का, जदयू पार्टी का कोई MP MLA नहीं हो सका है। उस हम लोगों को भी मांग है, सारे कार्यकर्ताओं को मांग है कि यहाँ से जिसको भी टिकट मिले जदयू का, वो कार्यकर्ता में से किसी भी आदमी को टिकट मिले, चाहे जिस जात का हो। हम लोग मांग रखते हैं अपने उच्च आला जो मुखिया है नीतीश कुमार से, ये हम लोगों को। क्या नाम है आपका? संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहोड़ा गांव से बालू लदे 3 मिनी हाईवा को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि सहोड़ा घाट से 15 दिन पूर्व चलान महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के संवेदक द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन सहोड़ा बालू घाट पर रोक के बाद बालू माफिया बांका के चांदन नदी के राजपुर ककना घाट से चलान लाकर महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को दिया जा रहा था। उधर नालंदा जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। घटना राजगीर और बिहार थाना इलाके की है, जहां राजगीर थाना क्षेत्र के हसनपुर के समीप बस पर चढ़ रहे युवक को उसी बस ने कुचल दिया, जबकि इस घटना में उसके माँ और पिता जख्मी हो गए। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर राजगीर बिहार शरीफ मार्ग को नाहूब मोड़ के समीप जाम कर दिया। वही दूसरी घटना बिहार थाना इलाके के नकटपुरा गांव के समीप की है, जहां तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें से एक को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। हम अथी देखा करके आ रहे थे जंतर बनवा करके, बस पर हाथ दिए या हम ये आगू था, हम उसका पीछे, हम मम्मी थोड़ा कुछ और था, इसको लगा कि हम जाके रुकवावे बस, वह रुकाने लगा और मध्यम किया तो चढ़ने के लिए कहा, अब्बल मम्मी कैसे इसे कर रहा था, बस रोका नहीं एकदम हाँ चले चल। इसको भी चोट लगा हल्का फल्का, मम्मी को भी घायल हो गया। इसको, हाँ, इसको भी झटका लगा, विकलांग आदमी हम कोई है इसी में चोट। क्या चीज लिखे पता नहीं क्या चीज, हम तो थे नहीं, हम घर पर थे, ये जहाँ काम करता उसका भी साथ था। अच्छा, उसी के घर जा रहा था शादी में। कहाँ? कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहारी में है, बिहारी के रहने वाले। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।